लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। आदरणीय पुरोहित भाईमान, उपस्थित सिस्टमान, शुभ अयोबा भाई बहन और बेटा बेटीमान और सरिता और संदीप, आज हमरे मानी गिरजा घर के सामने उपस्थित आई परमेश्वर हमरे मन के न्योता देवेन। ये हर घड़ी हर समय परमेश्वर हमरे मन के देखभाल करेना और हमरे मन के आशीष देवेना और उपकार प्रकाश से परिपूर्ण करेना। आज यहाँ हमरे उपस्थित आई सरिता और संदीप जे अपन प्यार की ईश्वर के हारा भाई जी दिन में की परमेश्वर विजन के आशीष दबाए और ग्रहण करवाए और ये प्यार बंधन में ईमान और दृढ़ता पूर्वक पीस में जुड़े हुए रहमाए हमरे मन प्रवेश करा और विनती करा कि आई परमेश्वर सरिता और संदीप के विवाह संस्कार में जाके कृपा से परिपूर्ण हो और परमेश्वर ईमान में संतुष्ट होके ईमान के सुख खान आशीष देते रहो। Thank you.
के मन और हृदय में हो और मन और हृदय को पवित्र शुद्ध करे। यीशु के इस पवित्र विवाह समारोह में हम सब अपने ईश्वर के वचन को योग्य घोषणा कर सके। पिता पुत्र के नाम पर आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 26 से 28 और 31। पाठ का मुख्य विषय, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो, वह समुद्र की मछलियां, आकाश की पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रहने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलों फूलों पृथ्वी पर फैल जा, सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। दूसरा पाठ, पृथ्वी का नाम से पालस का पहला पत्र अध्याय 12 संख्या 31 और 13 का पाठ का मुख्य विषय, यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। मैं आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूँ। मैं भले ही मनुष्यों तथा सर्वदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो मैं चंचलता गलियारे अथवा झंझनाती झांझ मात्र हूँ। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि उसमें प्रेम का अभाव हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना सारी भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझे प्रेम का अभाव हो तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना बीच मारता है, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वो दूसरे के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वो सब कुछ ध्यान देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। प्रेम का कभी अंत नहीं होता। यह प्रभु की वाणी है। आदरणीय गुरुपाद विपिन किशोर कुमार जी,
Those Vijaya Church, we have on the Kali Kuroi. Reverend Father Namo Sunakra, Upasi Sri Kuroi, Bhaiman, Sister Bahiman, Sandi Osarita, our Parivar Kesha Sadisyaman, our Upasi So Ayurama Bhai Bhai, our Veda Bahiman. I said the पावन विवाह समारोह में परमेश्वर आगमन के बहुत कुछ संदेश देने पड़े हमने मान पाठ मन में सुन ली यही निर्वाण परमेश्वर सबसे पहले कि परमेश्वर हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर इतना है जो जीवन पाही परमेश्वर अपनी इच्छा के आधार हमने मन के सृष्टि के इतना लगे हमार के जीवन परमेश्वर कह रहे थे हमार ना लगे और ईश्वर अपन पवित्र इच्छा के द्वारा अपन जे पवित्र उद्देश्य है उके पूरा कर लगे उके प्यार के चिन्ह में ये सभी हमने तुम्हें जीवन दिए और ये जीवन परमेश्वर के दृष्टि में महान मूल्यवान के हर एक जन के जीवन परमेश्वर के विशेष सपना और विशेष उद्देश्य और परमेश्वर के प्यार के चिन्ह है और परमेश्वर इच्छा कर लाए कि हमने मन की जीवन के जिया हे संदीप और सरिता आपने ईश्वर का वचन सुना है इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है अब मैं कई से नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करना चाहता हूं हे संदीप और सरिता क्या आपने बिना दबाव से और आपकी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है जी हां कर क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं तथा 30 एवं 23 के नियमों के अनुसार उसका लालन पोषण करने को तैयार है जी मां आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं इसलिए अपना देना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कैसे के सामने आपकी मंजूरी दीजिए हे सरिता मैं संदीप कुमार बिंज आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यहाँ करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूंगी आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी आपने कलिस्त के सामने करार किया है ईश्वर या करार भेंट करने और आप पर आशीष करने बसाने की कृपा करें जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग न करे आप अपने प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह अंगूठियां एक दूसरे को पहना दें इन पर ईश्वर आशीष दें हे ईश्वर
तेरे ही वचन से सबस में पवित्र की जाति है या सिंधु या विभूषण को अपनी आशीष प्रदान कर कि अगर तू तेरी इच्छा और पुरखाओं की परंपरा के अनुसार उसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वस्थ और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु के द्वारा। मैं संदीप कुमार बीज पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का जी यहां मुझे पहन लीजिए। Yeah, yeah, yeah.
भाई मन यात्रा करो तो प्रणीत भाई माँ अपना कहना मांगता है और संजीव और सरिता के पांच भाई अब कोई ईश्वर से एक बरकत हो संदीप और सरिता के लिए प्रार्थना करें जो अपने दंपत्य जीवन के आरंभ में भेद के स्वरूप आए हैं ये बीज का शरीर और रक्त हम करके परस्परिक प्रेम में सदा एक बने रहे हे पवित्र पिता Thank you.
आइए से हम बीच में हमारे बेटी सरिता
संदीप जे आज नया जीवन शुरू कर रहा है तुम्हारे के सब लोग बधाई दे तो खुश नया जीवन कांग्रेचुलेशन एंड मे गॉड ब्लेस ईश्वर की जो से हमारा आदाय और हमारा बेटा आनंद के जे शादी के आशीष का एक सुंदर करके संदेश देना है परिवार में के और से हमारे परिवार के और से हमारे को धन्यवाद देवती वही रखे हमारे को देखा क्या इसके कितना सुंदर ईश्वर के साथ कम से कम मोर नंबर हमारा का मतलब 1617 में आई गीत का लिखी कितना सुंदर भारत में आता है और यह शादी के माहौल में अमर ये नए दंपति शरीर का पास समझे कि हम जो आशीष देना है तो कहते हैं उसको आदर मन के हमारे नाम से सगल दिल दिल से धन्यवाद करवा हूँ प्रभु आप लोगों के साथ हो ऐसा शक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं इस तस्वीर पवित्र घराना की तस्वीर को लाए हैं इस नए परिवार आज नया विवाह बंधन से जुड़े हैं संदीप और सरिता आप ही परिवार में रखा जाएगा इस पवित्र घराना की तस्वीर को आशीष देने की कृपा कर और इस पवित्र तस्वीर के द्वारा घराने के द्वारा इनका परिवार हमेशा पवित्र बने सुरक्षित रहें ईश्वर की पावर दान से संपन्न हो और इनके परिवार में खुशी और आनंद से भर दे माता बहन की सहायता जोसेफ की सुरक्षा और महान मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्राइस्ट महान मुक्ति की योजना इस परिवार में दिनों दिन होता रहे हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्राइस्ट के द्वारा पीछे हो जाओ बेटा
Thank you.